नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और मैं इस वक्त गंगो विधानसभा के अंदर हूँ। गंगो विधानसभा जहाँ पर तीन प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ तो गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के कीरत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हैं काजी परिवार और चौधरी परिवार, यानी कि काजी परिवार नोमान मसूद, जो कि अब की बार हाथी पर सवार हैं और गठबंधन से टिकट लेकर आए हैं चौधरी परिवार, चौधरी इंद्र सेन जी। चलिए बातचीत करते हैं, क्या नज़र आ रहा है आपकी बार? एक तरफ तो चौधरी इंद्र सेन हैं और एक तरफ हैं नोमान मसूद, काजी परिवार, चौधरी परिवार। जी, हमारे यहाँ कुंडा कला में, खदरे में भाई, यहाँ तो काजियों से ही लोगों रखते हैं। जिस भी चुनाव पर लड़ेगा, मान ले ज़्यादा नोमान मसूद का ही मामला रहेगा। नोमान का ही क्यों मामला रहेगा? ऐसा क्या है उनके अंदर कि नोमान मसूद का मामला रहेगा? चौधरी साहब ने दिखाई दिया भाई, उनके अंदर यह है, ये हिंदू मुस्लिम की एकता के नेता है, दंगा नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल, अमन चाहते। इलाके में जो कोई किसी का लड़ाई दंगा हो, फैसला कराते हैं, ज्यादा मान ले झगड़ा नहीं कराते। चेयरमैन रहे हैं, कई बार से चेयरमैन रहे हैं, क्या नजर आया? चेयरमैन रहते हुए भी कुछ काम करवाया या सिर्फ बात ही बात करी? नहीं भाई, अपने शहर में सारे जो चेयरमैन नहीं, पूरे काम करे ना भाई। हमारे यहाँ पब्लिक के आदमी जावा, तबे अदर मान देवा, हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ो उन्हें निमटावा, मतलब चक्रो में नहीं घेरते, रोड़ा निमटावा, ठीक है भाई। अरे भाई मारे ने आते इसी की वोट है, हाथी की भाई लगेगी मोर। साइकिल तेज चल नहीं, नहीं साइकिल तो यहाँ ही नहीं, साइकिल तो खत्म है। साइकिल तो एक आधा कोई रंजी साला जो है वो नाम लेते, अन्य साइकिल का कोई काम ही नहीं, मेरा तो सब टोटल हाथी है। मुस्लिम समुदाय का क्या विचार रहेगा अब की बार? एक तरफ तो अखिलेश जी कह रहे हैं मुस्लिम तो मेरे साथ है। एक बात होता है, अखिलेश के साथ किस तरह रहेगा मुस्लिम? अखिलेश की सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा थोड़ा होया, बताओ ना क्या करा अखिलेश ना? लोग माता उजड़ का भाग्य और बेघर होगा फिर ना इन्ना इतना बसाए थे, अखिलेश ने क्या मदद करी थी भाई बताओ? तो मुख्यमंत्री रहे, चेयरमैन कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया क्या मुख्यमंत्री? मारे लिए तो बड़ा भाई हूँ, मारे लिए बड़ा हूँ, मारे लिए तो अखिलेश छोटा इस बहुत। नोमान मसूद? हाँ बिल्कुल, मारे लिए छोटा है, अपने घर का बड़ा होगा, मारे लिए नोमान बड़ा है उस तभी भाई। मेरी बात सुन, जब उसकी सरकार थी, जब थोड़े दंगे मुजफ्फरनगर में, बताओ उसकी सरकार थी ना दंगे क्यों नहीं रोके भाई? जब हम दर्द था लोगों का तो दंगे रोकता, उन्हें एक भी दंगा रोक क्या? अब की बार तो 1,25,000 पार है। 1,25,000 पार? हाँ 1,25,000 पार पूरे। कौन साइकिल? नहीं हाथी, साइकिल का यहाँ निशान ही नहीं है। हाँ चौधरी साहब कह रहे हैं अब की बार तो भाई, चौधरी साहब कुछ ही कह रहे हैं, हमने उसका क्या पता? चौधरी साहब तो हमने अपना पता, हम हाथी के देवे, हाथी के मारे यहाँ के लोग दे रहे। अच्छा जी। हाँ तो बता फिर साइकिल कहाँ आ जाएगी यहाँ? हाथी भाई 1,25,000 ने। अच्छा जी, चलिए और लोगों से ही बातचीत करते हैं। हाँ जी बाबा, क्या नाम है जी? पप्पू है भाई। पप्पू जी क्या दिखाई दे रहा है? एक तरफ तो चौधरी साहब का परिवार है, एक तरफ काजी परिवार है, नजर क्या होगा आपकी बार? ये भी नोमान की है बारी भाई, भी हाथी की सवारी और नोमान की बारी। इसका नंबर नहीं आया बहुत दिन हो गए, अब किसी का लेंगे नंबर? नंबर तो बहुत दिनों से उसका भी नहीं आया, इंद्र सेन भाई का। वो तो पहले मंत्री बन गए, उनके बाप बन गए भाई, अब तक उनका तो रहा ही। अच्छा। वो तो कर लें कहीं ना कहीं जुगाड़ी, भी नोमान का होगा। अच्छा, हाँ नोमान जीतेगा, हम कैसे सभी जिताओगे, पूरा पूरी गंगो विधानसभा में इस तक छोट नहीं है। अच्छा चाचा, ये बीड़ी 2 मिनट फेंक दो, बीड़ी फेंक दो। क्या अच्छा अच्छा क्या क्या दिखाई दे रहा? तुमने तो बहुत राजनीति देखी होगी गंगो की। नहीं महाराज, दुरते ही काजी परिवार ही है, काजी परिवार ही है हमारा, दुरते ही काजी परिवार है। हाँ जी, इसके ही वोट दे हम दुरते ही। अच्छा हाँ, अब की बार तो विधायकी का लड़ रहे चुनाव है, अब की बार तो विधायकी का लड़ रहे चुनाव। हाँ इसी के देंगे, हाथी के, हाथी। हाँ नोमान दिखाई दे रहे। हाँ जी, क्यों अखिलेश नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? ना अखिलेश तो नु कह रहे कि अब की बार तो मुसलमान एक तरफा वोट डाल लेगा, अब नहीं किसी को देख रहे। मुसलमान ना तो टिकट भी नहीं दिया किसी का, टिकट भी नहीं दिया किसी का मुसलमान ने तो। मुसलमान ने तो कोई काम नहीं दिया, मुसलमान ने तो रोजगार नहीं दिया, वो खाली नाम का ही तो हो रहा भाई। मैं मुल्ला मुलायम सिंह, काम तो कुछ नहीं दिया ने उस तो बढ़िया भाजपा 1,00,000 दर्जे उस तो बढ़िया था भाजपा में देंगे। बहन जी कैसी दिखाई दे रही है बहन जी? बात सुन, बहन जी भी ठीक है, अखिलेश मार भाजपा मारने नजरों कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क भी अखिलेश में भाजपा में कोई फर्क नहीं,
अरे मैं तेरा बताने लग रहा भाई, मुजफ्फरनगर दंग होया, क्या हाल होया मुसलमानों का बताओ मेरे, क्या हाल होया अखिलेश की? तो उस टाइम सरकार लोग भाग गए उजड़ गए, फिर कराने वाले ना आगा बसाए थे, तो बताओ चौधरी ने इतना बसाया आगा? हाँ जी, तो अब क्या दिख रहा था चौधरी ना, चौधरी ना ही तो साइकिल पे वो पड़ा कहीं हो, हम तो हाथी पे आने। अच्छा, अरे हाथी को ओढ़ देना, मैं तो इंद्रसेन मैं इंद्रसेन का पता ही नहीं भाई, हम तुमसे जानते भी नहीं कौन इंद्रसेन। चौधरी परिवार से बहुत बड़ा होगा जी, हम जानते नहीं उन्हें, क्या बताओ आपसे, हमारे देखा नहीं, वो देखे नहीं ना, देखा नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। नौमान मसूद भी बस चुनाव में देखेंगे, फिर रोज रोज मिला भाई साहब, कोई भी मामला हो, कोई परेशानी हो, लगा नहीं खड़ा, मारा हो बारह भाइयों को हो और किसी बिरादरी वाले को हो, उसी में आ जा, दो आदमी लड़का जाएगा उन्हें समझागा बैठावेगा। हाँ जी, ये खूबी सुमा जी, क्या विचार है आपकी बार, एक तरफ हाथी और दूसरी तरफ साइकिल, मुस्लिम कहाँ जाएगा? हाथी पे ही जाएगा जी, मुसलमान हाथी पे जी, यो गांव तो हाथी पे ही जाएगा, खद्दर सारा जितना जी हाथी पे ही जाएगा जी, हाथी पे जी। बहन जी दिख रही क्या? हाँ जी। क्यों अखिलेश यादव नहीं दिखाई दे रहे? ना जी, अखिलेश नहीं दिखाई दे रहा अब की बार, जी तो कह रहे अब की बार तो मामला साथ साथ रहेगा मेरे साथ। हाँ जी, नहीं अखिलेश का नहीं है जी। अच्छा, तो इंदर सेन जी तो दिखाई दे रहे होंगे, चौहान साहब तो दिख रहे होंगे? ना जी, हमें देखा ही नहीं, कहना भाई का इसका, हमें तो देखा ही नहीं इंदर सेन आज तक, इंदर सेन नहीं देखा ना जी। अच्छा, चलिए और लोगों से ही बातचीत करेंगे। हाँ जी, अच्छा आपसे तो हो गई बात जी? हाँ हो गई जी। अच्छा, पाला बदल लिया तुमने तो बस आऊंगे तो उठ कमकेंगे आगे वैसे ही। अच्छा, यहाँ बैठे थे, यानी दिल जो धड़क रहा है वो नौमान मसूद के लिए धड़क रहा है? नहीं, दिल तो धड़कता नहीं भाई, दिल तो झुका तू है। अच्छा, दिल तो झुका तू है भाई, नौमान मसूद जो है अच्छा कैंडिडेट है, सभी हिंदू मुसलमानों का साझे का है, तो इस तो बड़ी सी और क्या बात होगी, बढ़िया है, दुख सुख में रलने वाला है। ऐसा तो नहीं कि विधायक बना दो और फिर नौमान मसूद भी लखनऊ भी दिखे, दिल्ली दिखे, यहाँ दिखेंगे नहीं जी, गंगो में दिखेंगे, तो यही दिखेंगे, विधायक बना के भी यही दिखेंगे, लखनऊ रहेंगे और यहाँ क्या करेंगे, जब वहाँ काम पड़ेगा लखनऊ जाके, जब यहाँ की जरूरत लखनऊ। क्या नाम है? मोहम्मद जाबिर जी। मोहम्मद जाबिर, बड़े मुस्कुरा रहे हो, काजल कब लगाया था आंखों में? अजय, काजल तो ये सुबह ही लगाया। अच्छा, अच्छा क्या दिख रहा है आपकी बार, किसकी लाली आवेगी और किसकी लाली जावेगी, क्या मामला होगा? एक तरफ नौमान जी, एक तरफ चौधरी साहब का परिवार है। अजी, लोमान के वोट है यहाँ पे, कितने भी है लोमान को वोट मिलते हैं, लोमान पे ही जाएंगे, ठीक है। नौमान मसूद कोई पहली बारी तो लड़ रहे विधायक की, तो क्या होगा आपकी बार देख लो, फिर चौधरी साहब को देख लो। अजी, पांच साल में दूसरी पार्टी तो एक बार वोट लेन आती है, फिर दिखाई नहीं देती बाद में, और हमारे जितने भी काम निमटते हैं, जो भी होता है, तो ये काजी परिवार ही निमटते हैं, इन्हीं को वोट जाते हैं हमारे, इन्हीं को देंगे। इंदर सिंह तो बहुत मजबूत आदमी है। अजी, हमारे लिए कुछ नहीं है, ना हमारे कोई काम निमटते, कुछ नहीं करते, यही करा ना लो मान मसूद ही हमारे काम करा, तो हम इंदर सिंह का क्या मतलब, हम ना जब हमारा कोई परेशानी हुआ यही हमारे काम आवा, हम ही नहीं गई वोट देंगे। अरे वाह भाई वाह, बहुत देर में आयो। हाँ जी, क्या हाल चाल है? हाँ जी ठीक है जी। मारा नाम है थारा? लियाकत है जी। लियाकत भाई, क्या दिखाई दे रहा है आपकी बार? एक तरफ तो इंदर सेन, चौधरी इंदर सेन जी का परिवार भी चुनाव लड़ रहा, चौधरी इंदर सेन खुद इस समय चुनाव लड़ रहा, एक तरफ नौमान मसूद विधायक, किसको बनाओगे? हाँ जी, अंग्रेजी राज से दबदबा इनका, तो हमारे बड़े बड़े बता हुए, हमें तो यही लगे गंगो में तो जो है यही है, जो कुछ है, हमें तो किसी की इतनी वानी जितनी इनकी ठाट है वहाँ, इनकी नौमान की सूदा काजी तक लेकर बड़े बड़े सारे सीख है, अंग्रेजी राज दब दब है इनका, गंगो में जो है बात ही नहीं किया, सारी उम्र से ही हारे भी नहीं ऐसे ही जीते भी नहीं ऐसे ही, और इनका जो बन जाए साफ बढ़िया या जोर लावेंगे, जोर लावेंगे। हाँ जी, पूरे जोर अंगा लगा के, पूरा लगाएंगे जी, जोर लगा लगाएंगे। हाँ जी, जोर लगा के, जोर लगा के लगाएंगे जी, जो हमारा मेला जो हमारे ब्लॉक तक एक बन जाए, हमें तो बहुत कोशिश है इसकी। इस बार इंदर सेन जी को देख लो, अब तो बेचारे दो तीन बार हार गए, अब बार देख लो कि बार इंदर सेन को भी जिता दो। हाँ जी, जिताने तो जिता दे, फिर हमारा जो ज्यादा लोगों से यही ज्यादा है, जरूरत ही जरूरत है लोगों से, काम का हमारे का यही ज्यादा है, काम इसी से। हाँ, काम इसी से है जी। हाँ जी, इधर आओ इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल रहमान है मेरा नाम भाई। अब्दुल रहमान? हाँ जी, अब्दुल रहमान, मुसलमानों पर तो बड़ी नजर आपकी बार, अखिलेश जी की नू कह रहे आपकी बार तो मुसलमान कुछ भी हो जाएगा साइकिल छोड़ के नहीं जानेगा। नहीं जी नहीं, हम तो मायावती को वोट देंगे,
तो मान साहब को वोट देने नोमान मसूद के मायावती को। हाँ मायावती को जाएंगे। यहाँ गंगो में क्या होगा? गंगो में नोमान मसूद को वोट जाएंगे जी। नोमान मसूद? हाँ जी नोमान मसूद है, 1 लाख के पार है जी का। नोमान 1 लाख पार? हाँ जी 1 लाख पार। इंदर सेन जी कह रहे हमें 1 लाख पार भाई। इंदर सेन का कुछ नहीं आया, इंदर सेन तो बस वैसे ही है वही फिर रहा, इंदर सेन का कुछ नहीं आया। चलो पंडित जी। हाँ पंडित जी इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? निशांत शर्मा जी। निशांत शर्मा जी, शर्मा तो ब्राह्मण तो जाएंगे भाजपा पे ही। हाँ जी तो भाजपा जाएंगे, पर इंदर सेन पे जाएंगे जी। इंदर सेन पे? अरे वाह बहुत देर में निकल कर आए। इंदर सेन 1 लाख पार। 1 लाख पार? ये तो कह रहे कि नुमान 1 लाख पार। बस ये अपना अपना हिसाब है, हम इंदर सेन के साथ लगे हुए हैं। हिसाब है, हिसाब से चल रहा मामला। हाँ जी आप बड़ी पीछे से, बहुत देर होगी, क्या बात है। हाँ जी क्या नाम है आपका? रईस जी। रईस, रईस क्या दिखाई दे रहा है? मुस्लिम समुदाय पर एक तरफ ताल ठोक रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन मुस्लिम कहाँ जाएगा जी? ताल तो ठोक रहे तो साथ विधायक तो भीतर करवा रखे अखिलेश की, वो आजम खान की भीतर है जब इसका वो है, जिससे उसका बड़ा विधायक था जो मंत्री बना रखा था, वो तो भीतर वो छुट नहीं रहा इस पर। अखिलेश क्या देगा वोट देगा, क्या फायदा होगा? अति क्या मैं तो मुख्तार अंसारी जो बड़े दिग्गज नेता है मैं सारे भीतर करवा रखे इनने। गुंडे हैं तो? गुंडे क्यों होते हैं? मुर्गी चोरी बकरी चोरी ये मुकदमे, मुर्गी चोरी बकरी चोरी। हाँ अरे भीतर है कोरोना में भी वो रोटी भी नहीं मिली ना दवाई मिली भीतर पड़े। हम तो बहन जी हम तो नौमान दिख रहा हो रहा है नौमान मसूद। हाँ गंगो में, गंगो में। अच्छा हम तो इससे काम पड़ा है, हमें क्या जरूरत आगे जाने की? इंदर सेन परिवार तो बढ़िया दबंग परिवार तो इंदर सेन ने तो बतेरे भीतर करवा रखे चौपरे के कहा बड़े बड़े हिंदू कटवा दिए ना तो वहाँ बाग में पड़े। चौधरी साहब तो कह रहे अबकी बार गठबंधन की सरकार कुछ नहीं, जाट भी नहीं है साथ, आधे आधे बाहर हैं, आधे बाहर हैं, हाँ आधे बाहर हैं दूसरे इस पर। हाँ युवा तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि युवा और महिला आपकी बार मेरे साथ, तो युवा कहाँ है? अखिलेश के पास है जी। अखिलेश के पास जाओगे? जी हाँ। अच्छा यानी कि हाँ गंगो में कहाँ दिखाई दे रहा अखिलेश के? तो इंदर सेन जी लड़ रहे चुनाव? जी हाँ। इंदर पे या फिर मेहमान पे आपका? नहीं हम तो अखिलेश पे है, सीधा सीधा अखिलेश पे है। यहाँ तो अखिलेश देख रहे हैं, थोड़ी लड़ रहे हैं यहाँ से विधायक की। नहीं जी जाओ वोट उसी के खाते में लगाना जाके। अच्छा हाँ वोट नहीं खाते में? हाँ। अच्छा जी हाँ। चलिए आखिरी सवाल आपसे, क्या नजर आ रहा है एक तरफ इंदर सेन एक तरफ आपके नोमान मसूद, दोनों में क्या नजर आएगा? नोमान के हैं जी, तो सब नोमान तो सिवा किसी के नहीं देते जी। नोमान तो जी बस। क्यों नोमान जी? नोमान तो चेयरमैन ही, इधर आओ नोमान चेयरमैन ही तो रहे हैं, ऐसा क्या जादू कर दिया चेयरमैन ने? दुख सुख में खड़े रहना यहाँ। अच्छा अपने में ही है बस, यहाँ और कोई है नहीं। उन्हें चेयरमैन ही जितवा देना, इंदर सेन को विधायक बना लो बस, वो तो टाइम बतावेगा जी। अच्छा यहाँ तो सारे नोमान के हैं जी, टिक्के हो जाओ कोई। 1.25 लाख पार है जी। कौन? नोमान। नोमान जी। गाँव है? गाँव कुंडा कला जी। गाँव कुंडा कला जी। तो देख सकते हैं आप इस वक्त में गांव कुंडा कला के अंदर मौजूद, और मुस्लिम परिवार कुछ ब्राह्मण भी यहां पर मुझे दिखाई दिए, एक व्यक्ति ब्राह्मण भी थे, लेकिन अब की बार गंगो में क्या होने जा रहा है, मुस्लिम कहां जाएगा? एक तरफ हाथी की सवारी है और दूसरी तरफ साइकिल की सवारी है। इनकी जनता की राय आपने सुनी और आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस यूपी के लिए।